पंजाब सरकार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC से मिले पैनल के विचारों के आधार पर बीरेश कुमार भावड़ा को नए DGP के रूप में नियुक्त किया है। BK भावड़ा 1987 बैच के IPS अफसर है। बड़ी बात यह है कि BK भावड़ा को ऐसे समय पर DGP नियुक्त किया गया है जब पंजाब सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर किरकिरी हो रही है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले ही उनके नाम पर मुहर लगाई है। चन्नी सरकार ने उनके नाम की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। बीरेश कुमार भावड़ा वर्तमान DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह लेंगे। बता दें कि UPSC ने DGP के पद के लिए 3 अफसरों का चयन किया था, जिसमें 1987 बैच के दिनकर गुप्ता, BK भावड़ा और 1988 बैच के प्रबोध कुमार थे। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को PM मोदी की सुरक्षा में चूक होने के कारण पद से हटाया गया है। प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार के DGP और मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के काफिले के साथ रहना जरूरी है, लेकिन दोनों अधिकारी उस वक्त काफिले में नहीं थे। इतना ही नहीं, DGP की ओर से रूट क्लियर होने का ग्रीन सिग्नल मिला था, उसके बाद ही प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते रवाना हुए थे, लेकिन आगे सड़क को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा था।